हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हलवाई स्टाइल गाजर के हलवा की रेसिपी। हलवाई स्टाइल गाजर के हलवा बनाने के लिए ना हम इसमें कोई कंडेंस मिल्क डालेंगे, ना मिल्क पाउडर, ना ही गाजर को घिसेंगे। ये हलवा मिनटों में बनाकर तैयार करेंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 किलो गाजर। मैंने गाजर को धो लिया, इसका छिलका निकाल लिया। हम गाजर को काट लेंगे। गाजर के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इस तरह हम सारे गाजर को काट लेंगे। हमने सारे गाजर को काट लिया है। अब इसको हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे। गाजर को ग्राइंड करते वक्त ध्यान दें, हमें गाजर को पल्स मोड में चलाना है, रुक रुक के चलाना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं चलाना है, और बीच बीच में चम्मच से चलाते रहें। थोड़ा सा चला लें, फिर देखिए उसके ऊपर बड़े टुकड़े आ गए, उसको हम चम्मच से चला के नीचे कर लेंगे। आप चाहें तो मिक्सी की जगह पर हैंड चॉपर या इलेक्ट्रिक चॉपर का यूज कर सकते हैं, उससे आपका काम और आसान हो जाएगा, या फिर इसको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसी तरह हम सारे गाजर को मिक्सी में चला लेंगे, इसको पल्स मोड में चलाएंगे और चम्मच से चलाते रहेंगे। मैंने सारे गाजर को ग्राइंड कर लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, इसमें हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू बादाम लिया है, आप अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लगातार चलाते रहें नहीं तो जल जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे भुन गए हैं, इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेम कढ़ाई में हम गाजर डाल देंगे, गाजर को लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भून लेंगे। मैंने गाजर को लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भून लिया है। अब इसको हम ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हम गाजर चेक कर लेते हैं। गाजर हमारे भुन गए हैं। अब इसमें हम 1 लीटर दूध डाल देंगे। अगर आप मावा का इस्तेमाल करें तो दूध की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। आप 1 लीटर की जगह पर 0.5 लीटर दूध यूज करें, अगर मावा डालें या फिर मिल्क पाउडर डालें तो। लगातार चलाते रहेंगे। दूध डालते ही हलवे का कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन आप घबराएं नहीं, जैसे जैसे दूध कम होता जाएगा वैसे हलवे का कलर चेंज हो जाएगा। तो हम लगातार चलाते रहेंगे। हलवा हमारा पक गया है। अब इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी मैंने 1 कटोरी से थोड़ी सी कम ली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर इसको शुगर फ्री भी बना सकते हैं। चीनी डालने के बाद हम हलवा को लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो हलवा जल जाएंगे। चीनी जैसे जैसे घुलेगी वैसे ही हलवे का कलर चेंज हो जाएगा। हम लगातार चलाते रहेंगे। चीनी हमारी घुल गई है और हलवे का कलर भी चेंज हो गया है। आप इस स्टेज पे मिल्क पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच डालें, फिर चलाते रहें, एक साथ बिल्कुल ना डालें, 1 चम्मच करके डालें और लगातार चलाते रहें। इसमें हम चीनी डाल दी है तो इसको लगातार चलाते रहें तो हलवा जल जाएगा। हलवा को और टेस्टी बनाने के लिए हम 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे और 2 मिनट तक और भून लेंगे। मैंने हलवा को लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून के रखे थे वो डाल देंगे, थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। मिक्स कर देंगे। हलवा हमारा बन के तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। आइए इसको हम सर्व कर लेते हैं।
आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।